नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। किसान आंदोलन दिल्ली की सरहद पर 13 महीने तक चलता रहा। उस किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए थे उनको वापस ले लिया था, और लिहाजा लंबा वक्त गुजर जाने के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। राजनीति तेज इसलिए हो गई है क्योंकि किसान आंदोलन से संबंधित बीजेपी सांसद ने एक विवादित बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि वह किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करती। किसान आंदोलन के वक्त पर जो तंबू लगे थे, जो टेंट लगे थे, उन टेंट में रेप हुए, मर्डर हुए, ये तमाम बातें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पूर्णतया से राजनीति से प्रेरित। कंगना रनौत के इस विवादित बयान के बाद सियासी हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और आरोप ये लगाए गए कि ये बयान भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री इस बयान के साथ खड़े हैं। विपक्षी प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने जमकर यहाँ मोदी सरकार को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के बयान लगातार कंगना रनौत दे रही हैं, उसके बावजूद भी उनको टिकट दी गई, सांसद बनाया गया, संसद भवन में मौजूद है, लेकिन देश के किसानों की यहाँ पर दुर्दशा है और उस दुर्दशा पर वे लगातार विवादित बयान दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करके उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जिस तरीके के बयान यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है कंगना रनौत, वो बेहद निंदनीय है। किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का पर्दाफाश हो रहा है। हरियाणा और आगामी वक्त में बाकी जो प्रदेश है उनमें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रमुख रूप से देखा जाए तो हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव जबरदस्त तरीके से देखने को मिला था और विधानसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बड़े मुद्दे के चलते बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। कई सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली और उस शिकस्त के चलते भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में किसी तरीके का नुकसान हो। कंगना रनौत के बयान से किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है ये उनका निजी बयान है, पार्टी इससे मत नहीं रखती है। यानी कि आगामी वक्त में कंगना रनौत यहाँ पर अकेली पड़ती हुई नजर आ सकती। देखना ये होगा कि क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।